हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अल्टरनेटर। क्या होता है अल्टरनेटर, इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने पढ़ा हुआ है कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर उसे बोलते हैं जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे क्या कहते हैं, जनरेटर। जैसे मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे। तो जनरेटर की डेफिनेशन अपन ये पढ़ते आए हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे वो क्या कहलाता है, जनरेटर। लेकिन अपने को यदि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, विद्युत ऊर्जा अपने को डीसी के रूप में प्राप्त हो, यानी कि अपने आउटपुट में विद्युत डीसी के रूप में प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर जो अपने का आउटपुट में क्या देगा, डीसी देगा, वो डीसी जनरेटर कहलाता है। लेकिन अगर अपने को आउटपुट में एसी प्राप्त करनी हो, क्या प्राप्त करनी हो, एसी प्राप्त करनी हो, तो उसको बोला जाता है, जो अपने को आउटपुट में एसी देगा वो क्या कहलाता है, अल्टरनेटर। क्या कहलाता है, अल्टरनेटर। ठीक है, तो जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर कहलाता है, और जो अपने को आउटपुट में, अपने को बाहर परिपथ में डीसी सप्लाई देता है तो वो कहलाता है डीसी जनरेटर। अगर अपने को बाहर आउटपुट में एसी मिल रही है तो वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं अपने अल्टरनेटर। ठीक है, तो आज अपने इस अल्टरनेटर के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जो डिवाइस अपने को बाहर आउटपुट में एसी सप्लाई देती है वो क्या कहलाता है, अल्टरनेटर, उसे बोलते हैं अपने अल्टरनेटर। अब देखते हैं कि जो अल्टरनेटर होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें। तो सबसे पहले इसका पार्ट आता है बॉडी या फ्रेम बोलते हैं जिसे अपने। ठीक है, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, बॉडी या फ्रेम, जो किसका बना होता है, कास्ट आयरन और या फिर कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ये बाहर वाला जो योक बोलते हैं अपने या बॉडी बोलते हैं जिसको फ्रेम बोला जाता है, वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, एक आता है स्टेटर, एक होता है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है, जो अपना अल्टरनेटर होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा किस पे स्थापित होती है, स्टेटर पे। इस पे क्या स्थापित होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। दो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, एक फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा किस पे स्थापित की जाती है, स्टेटर के ऊपर, यानी कि स्थिर। स्टेटर कौन सा पार्ट होता है, दो क्या होता है, स्थिर होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग किस पे स्थापित की जाती है, हमेशा स्टेटर के ऊपर। स्टेटर के ऊपर क्या होता है अपने, कि ऐसे आर्मेचर कोर होती है, ये क्या है, आर्मेचर कोर। ठीक है, ये आर्मेचर कोर होती है, और आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। तो आर्मेचर कोर किसकी होती है अपनी, आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से। ठीक है, लेमिनेटेड, क्योंकि लेमिनेटेड होएगा, क्योंकि एसी पैदा होगी तो एसी में एडी करंट लॉस होएगा, तो उसको दूर करने के लिए लेमिनेट किया जाता है। तो लेमिनेशन जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, एडी करंट लॉस से बचने के लिए। तो ये जो अपनी आर्मेचर कोर होगी ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बनी होती है। क्यों, क्योंकि जो एडी करंट लॉस से बचने के लिए अपने इसको लेमिनेट किया जाता है। और ये जो आर्मेचर कोर होती है इसके अंदर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ये रही, ये जैसे अपनी आर्मेचर कोर है इसके अंदर क्या स्थापित की जाती है, वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, अपनी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो स्टेटर के ऊपर होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो अपनी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो किस पे स्थापित की जाती है, अल्टरनेटर के अंदर, स्टेटर के ऊपर। और जो आर्मेचर कोर होती है इसके अंदर वाइंडिंग डाली जाती है, आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात आती है अपने रोटर, दूसरा अपने रोटर, कि जो रोटर होता है रोटर के ऊपर, रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है, रोटर को दी जाती है डीसी सप्लाई, और रोटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग।
ठीक है, फीड वाइंडिंग। तो ध्यान रखना कि जो अपना रोटर होता है उसके ऊपर क्या स्थापित की जाती है, हमेशा रोटर के ऊपर फीड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है, फीड वाइंडिंग को कौन सप्लाई दी जाती है, हमेशा डीसी सप्लाई। तो इसको ये अपना रोटर है बीच में रखा हुआ है, ठीक है, ये रोटर है और इसको अपने कौन सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई। समझ में आई बात। अब ये रोटर भी दो प्रकार के होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अपने। एक तरह से सेलियंट पोल हो गया, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है। इस ये जो दिखाया हुआ ये कौन सा है, सेलियंट पोल रोटर, सेलियंट पोल रोटर होता है। अभी पढ़ेंगे अपने, रोटर दो प्रकार के होते हैं, सेलियंट पोल और सिलेंड्रिकल रोटर। तो इसमें अगर आपको ये बता देता हूँ कि जो रोटर होता है इसको डीसी सप्लाई दी जाती है और इस पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। और अब पढ़ते हैं अपने इसमें इसकी वर्किंग कार्यप्रणाली, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो देखो सिद्धांत तो वही अपने जो डीसी जनरेटर का होता है, क्योंकि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी अपना अल्टरनेटर भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो देखो इसका एक डायग्राम ये बना सकते हैं अपने, RYB, ये होगा अपना आर्मेचर, ये आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये होगी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ अपना क्या रखा हुआ है, रोटर, ये क्या अपना रोटर, इसमें फील्ड वाइंडिंग होगी और इसको कौन सी सप्लाई देते हैं, डीसी। मैंने अभी बताया आपको कि जो अपना रोटर होता है ये रोटर है, रोटर को हमेशा कौन सी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई, प्लस माइनस डीसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है। इसको इस रोटर को किसके द्वारा, एक प्राइम मूवर के द्वारा इसको घुमाया जाता है, ये क्या अपना प्राइम मूवर, ठीक है। अब देखो क्या होएगा, इस रोटर को जो अपने डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होएगा, एन और एस, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होएगा इस, और अपने प्राइम मूवर के द्वारा क्या कर रहे हैं, इस रोटर को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होएगा, फ्लक्स फाई, ठीक है। इस रोटर को अपने डीसी सप्लाई दी, उससे क्या कहें, एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होएगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इस रोटर को अपने किसके द्वारा घुमा रहे हैं, एक प्राइम मूवर के द्वारा घुमा रहे हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्योंकि रोटर जब रोटेट करेगा, रोटर को अपने प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट करवाएंगे, इस रोटर को अपने प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट कराएंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, गति करेगा। और फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है, फैराडे ने क्या कहा था कि या तो चुंबकीय क्षेत्र को गतिमान करवाओ, जब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, गतिमान होएगा, तो ये जो चालक है अपने, ठीक है, इन चालकों के, ये चालक जो है क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र को कट करेंगे, तो इसमें इसके सिरों पर क्या पैदा होगा, अपने ईएमएफ पैदा होगा, RYB, ठीक है। सेम टू सेम वही है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे ने दो बातें बताई थी, या तो क्या करेंगे अपने चुंबकीय क्षेत्र को गतिमान करो, चालक को स्थिर रखो, और या फिर चालक को गतिमान करो और चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखो। उसी तरीके से अपने यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है ये गति कर रहा है, किसकी वजह से, ये जो प्राइम मूवर है इसको अपने रोटेट करवा रहे हैं, रोटर को प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट करवा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, गति करता है। और ये गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, ये जो चालक होता है अपना, इनके द्वारा छेदित होता है, ठीक है। और इन चालकों के सिरों पर क्या पैदा होता है, अपने ईएमएफ, ठीक है। ये अल्टरनेटर का सिद्धांत है। अब अपने पढ़ते हैं कि रोटर जो होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। दो तीन बातें ये जरूर याद रखना कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो कहाँ स्थापित होती है, स्टेटर के ऊपर, ठीक है। और जो फीड वाइंडिंग होती है वो कहाँ स्थापित होती है, रोटर के ऊपर, हमेशा कौन सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई, उसको रोटेट करवाया जाता है प्राइम मूवर के द्वारा। अब अपने पढ़ते हैं कि सेलियंट पोल, दो प्रकार के रोटर अपने यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ रोटर, टाइप्स ऑफ रोटर, दो प्रकार के रोटर यूज करते हैं, एक सेलियंट पोल और एक होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल रोटर, सेलियंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर। सेलियंट पोल रोटर जो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये कौन सा है, सेलियंट पोल रोटर, इस हिसाब से ये कौन सा होता है, सेलियंट पोल रोटर, इसके ऊपर यहाँ वाइंडिंग होती है।
ठीक है, ये कौन सा कहलाता है, सेलेंट पोल। अब इसको जैसे इस हिसाब से स्थापित करेंगे इसमें क्या होता है, एयर गैप देखो, यहां पर एयर गैप क्या है, कम है, यहां पर एयर गैप क्या है, ज्यादा है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो एयर गैप होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म एयर गैप। देखो यहां पर एयर गैप कम हो गया, कहीं एयर गैप ज्यादा हो गया, इस हिसाब से जब ये रोटेट करता है तो एयर गैप की इसमें दिक्कत आती है, एयर गैप कम ज्यादा होता है इसमें। तो नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब समान नहीं है। एयर गैप सेलेंट पोल की एक है कि जो सेलेंट पोल रोटर होता है अपना, ठीक है, सेलेंट पोल रोटर होता है, उसमें एयर गैप होता है, नॉन यूनिफॉर्म। एयर गैप जब सेम नहीं होएगा तो रिलक्टेंस का मान भी कम ज़्यादा होएगा, ठीक है, रिलक्टेंस का मान भी सेम नहीं होगा तो फ्लक्स का मान भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो अपना यूज होता है सेलेंट पोल रोटर, इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है वो देखो, मेन मेन पॉइंट मैं डिफरेंस के हिसाब से इनको करवा देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस रहेगा इसमें। नंबर एक, एयर गैप जो होता है नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल रोटर, सीधा होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसे ये सिलेंड्रिकल रोटर हो गया, ठीक है। ये एयर गैप जो होता है इसमें क्या होता है, एयर गैप समान होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, एयर गैप यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है। जैसे ये सिलेंड्रिकल है पूरा, ठोस स्टील से बनाया जाता है इसको, ठीक है, और इसको स्टील को स्टैंपिंग करके बनाया जाता है, स्टैंपिंग का मतलब जोड़कर, और ये क्या होता है, ठोस होता है, हार्ड होता है, और इसमें कटिंग होती है जिसके ऊपर बाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है, इस हिसाब से ऐसे बना होता है, और इसमें इस हिसाब से क्या होती है, खांचे कटे होते हैं, इस हिसाब से ऐसे खांचे कटे होते हैं इस हिसाब से, ठीक है, इनमें खांचे कटे होते हैं, इनमें बाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टील का बना होता है, सॉलिड होता है पूरा, इसलिए इसमें एयर गैप क्या होता है, देखो ये पूरा भरा हुआ है इस हिसाब से, तो एयर गैप देखो यहाँ भी समान है, 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 सभी जगह एयर गैप क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान है सब जगह। जब यूनिफॉर्म एक समान होएगा तो रिलक्टेंस का मान भी एक समान और फ्लक्स का मान भी समान रहेगा। लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है, यहाँ फ्लक्स का मान कम है, सॉरी यहाँ एयर गैप कम है, यहाँ एयर गैप ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस हिसाब से एयर गैप क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म है, इस हिसाब से रोटेट करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज होता रहेगा। जो एयर गैप यूनिफॉर्म, एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म। दूसरी बात आती है, ये स्टील, स्टील के स्टैंपिंग के द्वारा इनको जोड़ के बनाया जाता है, और ये क्या होता है, सॉलिड स्टील का बना होता है, सॉलिड स्टील के इसके अंदर क्या कटे होते, खांचे कटे होते हैं जिसमें बाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। इसकी जो एक्सियल लेंथ होती है, एक्सियल लेंथ, और एक आता है डायामीटर, एक्सियल लेंथ इसकी क्या होती है, कम होती है, और डायामीटर इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो होता है अपने, इसके अंदर एक्सियल लेंथ क्या होती है और डायामीटर, इसमें क्या होता है, एक्सियल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डायामीटर क्या होता है, कम होता है। तो जब इसका डायामीटर कम होगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड, ये हाई स्पीड होती है, और ये क्या होगा, लो स्पीड पे काम करता है, लो स्पीड, लो स्पीड का मतलब है लगभग ये 50 से 1000 आरपीएम तक इसकी स्पीड ले सकते हैं अपने। ये भी ध्यान रखना कि जो सेलेंट पोल होता है लो स्पीड का यूज होता है, क्यों, क्योंकि एक्सियल लेंथ इसकी कम होती है, डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और लो स्पीड पे 50 से 1000 आरपीएम पर ये चल सकता है। ये क्या हो गया, एक्सियल लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, डायमीटर क्या होता है, कम होता है, हाई स्पीड पे काम करता है, ठीक है। हाई स्पीड का मतलब अपने ले सकते हैं 1500 से 3000 आरपीएम तक। अब पोलों की संख्या भी डिपेंड करेगी स्पीड पे, तो इसमें लगभग पोलों की संख्या रखी जाती है 6 से 120 करके। देखो एनएस निकालो इसकी कितना आएगा, 120 F 50 हो गया, 6 पोल लें तो कितना आएगी, 1000, यानी कि मैक्सिमम कितनी होगी, 1000। इसी तरीके से 120 रख के देखेंगे तो कितनी आएगी, 50, यानी कि इसकी जो आरपीएम होती है 50 से 1000 आरपीएम तक ले सकते हैं। इसमें पोलों की संख्या कितनी हो सकती है, 6 से 120 तक पोल होते हैं। इसी तरीके से इसमें देखो,
इसमें क्या होगा, इसमें पोल कितने हो सकते हैं, इसमें पोल दो से चार हो सकते हैं, दो पोल ले लो चार पोल ले लो, तो क्या आएगी एनएस, क्या आएगी इसकी एनएस बराबर 120 गुणा 50 बटा में दो पोल लेंगे तो कितनी आएगी 3000, चार पोल लेंगे तो कितनी आएगी 1500, ठीक है। इस हिसाब से पोल कितने हो सकते हैं, दो से चार पोल अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने कंपैरिजन है, पोलों की संख्या इतनी होगी। ये लो स्पीड पे यूज होता है, आपको पता है लो स्पीड यूज 50 से 1000 पे हम, तो इसका यूज कहां करेंगे, हाइड्रो हाइड्रो प्लांट वगैरह में, हाइड्रो प्लांट जो होते हैं जहाँ पर, ठीक है, हाइड्रो जो टर्बाइन प्लांट होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि लो स्पीड चाहिए। इसका यूज़ क्या करेंगे, स्टीम टर्बाइन में, स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर में इनका यूज़ होता है, स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर, क्योंकि स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर, ठीक है, या टर्बो अल्टरनेटर हो गए, टर्बो अल्टरनेटर हो गए, ठीक है। तो जो स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर हो गए, इनकी स्पीड हाई होती है, कितनी 1500 से 3000 आरपीएम तक। तो हमेशा जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है, अपना जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है वो हाई स्पीड के लिए यूज होता है, जहाँ अपने को हाई स्पीड चाहिए, जैसे स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर हो गए, जहाँ स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर होता है वहाँ यूज होती है, या टर्बो अल्टरनेटर हो गए, ठीक है, हाई स्पीड के लिए यूज होती है। और लो स्पीड में हाइड्रो प्लांट में जो अल्टरनेटर यूज होते हैं, हाइड्रो प्लांट में जो अल्टरनेटर यूज होते हैं वहाँ इसका यूज होता है कम स्पीड के लिए। तो ये कंपैरिजन जरूर ध्यान रखना कि सिलेंड्रिकल रोटर और साइलेंट पोल रोटर का कहाँ यूज होता है, कितनी इसके जो पोलों की संख्या हो सकती है, कितनी ज़्यादा स्पीड हो सकती है, एयर गैप क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और एक्सल लेंथ इसकी कम होती है, डायमीटर इसका क्या होता है ज़्यादा, एक्सल लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, डायमीटर क्या होता है कम होता है। तो ये कंपैरिजन आपको जरूर ध्यान रखना है, और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना कि जो स्टेटर के ऊपर हमेशा कौन सी वाइंडिंग होगी, अल्टरनेटर में स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, और जो रोटर होता है उसके ऊपर कौन सी स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। और जहां आपको पता है फील्ड वाइंडिंग स्थापित, फील्ड वाइंडिंग को हमेशा डिस सप्लाई दी जाती है, जहां भी फील्ड वाइंडिंग का नाम आ जाए, फील्ड वाइंडिंग को कौन सप्लाई दी जाती है, तो फील्ड वाइंडिंग को हमेशा कौन सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई, इसको डिस सप्लाई दी जाती है, ठीक है, अपने शंट जनरेटर या फिर कंपाउंड जनरेटर्स के द्वारा ये काम होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।